अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री, वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर। तो यूनिट नंबर टू हम कर रहे थे, यूनिट नंबर टू का क्वेश्चन नंबर वन और उसका पार्ट नंबर डी जो है वो आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट डू यू नो अबाउट अडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड यानी कि सरसब्ज इलाकों के अंदर जो जानवर रहते हैं वो किस तरह अपने आप को अपने माहौल के अंदर अडॉप्ट करते हैं, उनके जिस्म के कौन से ऐसे फीचर्स हैं या खूबियां हैं जो उनको उनके माहौल में रहने में मदद करती हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, दे हैव बिग मस्कुलर बॉडीज़। ग्रासलैंड यानी कि जो सरसब्ज इलाकों के अंदर रहने वाले जानवर हैं उनका जो जिस्मानी साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी के साथ अपने शिकार को काबू कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। इनकी जो टांगें हैं वो बहुत मज़बूत होती हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा तेज़ी के साथ दौड़ सकते हैं और ज़्यादा लंबा फासला तय कर सकते हैं। देयर बॉडी कलर ब्लेंड विद ड्राई ग्रास। इनका जो जिस्म है उसका जो कलर है वो बिल्कुल वैसे है जैसे एक खुश्क घास का होता है। तो चूंकि घास का कलर और इनके जिस्म का कलर जो है वो सेम होता है, इसलिए ये बड़ी आसानी के साथ घास के अंदर छुप सकते हैं या अपने आप को अपने दुश्मन से बचा सकते हैं। और आखिरी पॉइंट है, दे हैव कीन सेंस ऑफ स्मेल एंड शार्प आई साइट। इनकी जो सूंघने की हिस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और इनकी जो आई साइट है यानी कि इनकी जो नज़र है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये दूर से अपने दुश्मन को या अपने शिकार को पहचान सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन है, इसी को आप लोगों ने तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।